भीकन गांव में जनपद सीओ राजेश बाहेती के आत्महत्या मामले में पुलिस ने जनपद अध्यक्ष पति और उपाध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ मृतक बाहेती की बेटी ने पुलिस में शिकायत की, जिसमें बताया कि अध्यक्ष पति धनालाल खतवासे और उपाध्यक्ष दुलीचंद बांके ने मीटिंग को दौरान अपमानित किया था और नियमों के खिलाफ काम करने के लिए दबाव बना रहे थे। बता दें, जनपद सीओ बाहेती ने रविवार को अपने सरकारी बंगले पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उक्त मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने ट्वीट कर बीजेपी नेताओं की संलिप्तता और सरकार के दबाव में कार्रवाई न होने का आरोप लगाया। देखिए, वो विभिन्न जो कामकाज होते थे उनको लेकर जो थे उनकी वर्किंग को लेकर उनमें कुछ मतभेद थे, जिसको लेकर आपस में उनकी डिफरेंसेस थे, उसको लेकर सुसाइड किया गया था। तो उसमें जो जांच में जो तथ्य आए हैं उसके आधार पर प्रथम दृष्टया जो अपराध पंजीबद्ध किया गया है उसमें दो लोगों का नाम सामने आया है आरोपियों का, और दोनों आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। क्या नाम है?